इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो प्रिलिमिनरी नॉलेज है क्या है कि देखिए टेन स्क्वायर भी दो, टेन स्क्वायर इजिली इंटीग्रेबल नहीं होता है, जबकि सेक स्क्वायर आपका क्या होता है, इजिली इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, और टेन स्क्वायर को जब भी आपको इंटीग्रेट करना होता है तो क्या करते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लेते हो। लेकिन यहाँ समस्या तो और बड़ी है, टेन की पावर क्या है आपका, फोर है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, दैट कुड बी रिटेन एज ए टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। और एक टेन को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, और टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, दैट कुड बी रिटेन एज ए सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस ये इंटीग्रल अलग कर दे रहे हैं टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, इजिली इंटीग्रेबल नहीं होता है, यहाँ तो हो जाएगा, टेन एक्स को टी पुट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँच गया, लेकिन अभी कंप्लीट क्वेश्चन इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं पहुँचा। खैर, हम लोग काफ़ी दूर भी नहीं है, तो इस टेन स्क्वायर को क्या लिख दिया जाए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, हम यही लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब ये इंटीग्रल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेगा, सब इजिली इंटीग्रेबल हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस इसका क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन डी एक्स। अब देख लीजिए तीनों इंटीग्रल आपके सीधे सीधे हैं, इसका तो सीधा एक्स आ जाएगा, इसका टेन एक्स आ जाएगा, और इसका क्या करोगे, एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स है, मतलब आपका एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो गया। या फिर आप क्या करो, टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करके आगे प्रोसीड कर लीजिए एज यू विश, जैसे करना चाहते हैं, है ना, हमने दोनों तरीके से डिस्कस कर रखे हैं। खैर, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री, और इसका क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स, और उसका हो जाएगा आपका प्लस एक्स, और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।